ओके वेलकम संदीप जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमने जो कुकिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, फेवेना ग्रुप ने जो कुकिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, इस कुकिंग कॉन्टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया, तो मैं पहले जानना चाहूंगा, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि किस किस बात से इंस्पायर होके आपने इस कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, एक बात, और दूसरा एक आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन कुकिंग में आपका इंटरेस्ट, इन दोनों बातों के ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। फैंटास्टिक। सभी को वेरी गुड इवनिंग। मैं हूँ शेफ संदीप मोड़गी, और जैसे कि आपने कहा कि ये कुकिंग कॉन्टेस्ट, फेबिना कुकिंग कॉन्टेस्ट, तो ये कॉन्टेस्ट मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टर्निंग पॉइंट है। बिकॉज जैसे ही मैंने ये कॉन्टेस्ट के बारे में सोचा, आप सब जानते हो कि ये लॉकडाउन पीरियड है, तो ये पीरियड में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना समय सही बिताएं। और मैं इस कुकिंग के लिए, जैसे कि डेली मेरा कुकिंग चल ही रहा है, सो आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी वेर आई कैन एक्सप्लोर माई सेल्फ। तो ये सही प्लेटफॉर्म है व्हिच आई फील। तो फेबिना कुकिंग कॉन्टेस्ट, इसका जो एप्रन भी है, ये एकदम बढ़िया एप्रन मिल चुका है इसका, ताकि हम ये कॉन्टेस्ट को और अच्छी तरह से कर पाए। और मुझे इसमें बहुत अपने आप में दिलचस्पी हो रही है, लाइक आई एम वेरी प्राउड फीलिंग ऑफ दिस कि आई बीइंग अ पार्टिसिपेटिंग इन दिस फेबिना कुकिंग कॉन्टेस्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो माई कुकिंग टैलेंट्स एंड स्किल। सो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ टू गेट दिस चांस ऑफ कुकिंग कॉन्टेस्ट। और जहां तक बात बताई जाए रिगार्डिंग माई बैकग्राउंड, देखो बचपन से लाइक आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। मैं मतलब ऐसे कोई ये नहीं था कि आई विल बी इन अ करियर ऑफ कुकिंग। आई यूज टू हेल्प माई मॉम इन कुकिंग, सो दैट इज हाउ इन माई चाइल्डहुड आई स्टार्टेड डेवलपिंग माई इंटरेस्ट इन कुकिंग। बट आई नेवर न्यू आई विल बी इन दिस फील्ड। सो आई बीन इन दिस फील्ड, आई टुक माई एजुकेशन, देन आई वर्क इन 5-star होटल्स इन ओबरॉयज इन बॉम्बे। आई ट्रेवल अब्रॉड फॉर 12 to 14 years। आई वॉज ऑन द क्रूज लाइन वेर आई ट्रेवल डिफरेंट कंट्रीज, सो प्लेस टू प्लेस वेर वी ट्रेवल थ्रू द क्रूज लिस्ट एंड वी गेट इंट्रोड्यूस टू लॉट ऑफ पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सो वी गेट टू अंडरस्टैंड, गेट टू know the different cuisines and the cultures of the people. So it was a fantastic experience of working with them on the cruise lines. And also now back in India, like I am like learning most of the skills which we have here currently. So I've been into a new model of QSR, which is also a definitely a new concept which people like as a franchisee. Then as well as we are introducing now online. So also I've been into online kitchen where we take care of the food and where we deliver an excellent production, excellent product to the food with excellent ratings and good quality. So at the moment, I am into this cooking contest and I'm looking forward to have a fantastic session of this. Thank you very much and see you soon. थैंक यू संदीप जी। एक मैं अपने व्यूवर्स को एक बात बताना चाहूंगा, हमारे सारे फेबिना ग्रुप के फॉलोअर्स को एक बात बताना चाहूंगा। जिस दिन हमने इस कंपटीशन को डिक्लेयर किया था और मैंने ऑर्गेनिकली अपने एक कॉमन ग्रुप में इस पोस्टर को शेयर किया, और संदीप जी हमारे सेकंड पार्टिसिपेट थे जिन्होंने इस कुकिंग कंपटीशन के लिए रजिस्टर किया, और ही इज वेरी एक्साइटेड। और एक बार उन्होंने मुझे फोन करके बोला भी, चित्रेश ऑल इज जेन्युइन ना, मैं काम कर सकता हूँ ना। सो आई सेड टू हिम दैट व्हेन चित्रेश इज इन्वॉल्व सो नॉट टू वरी, इवन माय ओन कंपनी इज डूइंग दिस सो नॉट टू वरी। और मैं एक बात पूछना चाहूंगा संदीप जी, इस समय लॉकडाउन के पीरियड में सभी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारी नेगेटिव इमेजेस, बहुत सारे डिप्रेशन वाली चीजें आ रही हैं। इस समय पे आप कैसे इंस्पायर हुए कि इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें और हम ऑफलाइन से ऑनलाइन अपने प्रेजेंस को बिल्ड करें? और आपने तो वैसे भी पैन वर्ल्ड ट्रेवल करके अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग बड़े बड़े 4-star, 5-star, 7-star होटल्स में आपने सर्विसेज दी हैं, तो आपको क्या एक मोटिवेशन था जिसने फेबिना के साथ कनेक्ट किया इस कुकिंग कंपटीशन के लिए? देखिए फेबिना बेसिकली, मैं पहले इससे कोई मतलब इतना इंट्रोड्यूस नहीं था, बट जैसे ही मैंने ये कॉन्टेस्ट देखा कि ये कोई होने वाला है, मुझे मेरे मतलब एक मन में होता है ना अपना सिक्स सेंस कि हाँ ये कॉन्टेस्ट कुछ तो अपने लिए बहुत अच्छा होने वाला है, इट इज गोइंग टू हेल्प मी इन माई लाइफ। सो वैसे भी ये लॉकडाउन पीरियड था, तो ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी तो आ ही रही है, बट कैसे है ना,
एक आदत है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को और ग्रो करना बहुत जरूरी है। देखिए सराउंडिंग हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नहीं होता है, इसकी एक वन कॉइन, एक कॉइन के ऊपर एक नेगेटिव हेड है और टेल है, सो देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी हम चाहे अगर नेगेटिव फोकस करें जहां पर हमने देखा है तो वी विल ऑलवेज गो डाउन, तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हम जानते हैं कि ये स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, हमें अपना केयर रखना है, ख्याल रखना है। सो आप देखिए अगर आप ये कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, ये ऑनलाइन है, तो आपको सिर्फ ये डिश आपका जो है आप बना रहे हैं ये आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आपके साथ रहकर आपके किचन में ही सिर्फ बनाना है। सो दिस विल बी अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी जस्ट लाइक वर्क फ्रॉम होम। सो डेफिनेटली ये बहुत सेफ है, सेफ जोन है, भले ही हमें अपना केयर करना है, जैसे कि अब ये लॉकडाउन है तो अपनी इम्यूनिटी, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने एक्सरसाइज, अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना है, अपने कॉन्टेक्ट अच्छे रखना है और अच्छी चीजों को ही देखना है। अगर मीडिया का भी आप देखा जाए तो मीडिया को उतना इन्वॉल्व नहीं करना है, बिकॉज मीडिया से हमारी माइंडसेट नेगेटिवली चेंज हो जाती है। सो आई प्रिफर टू ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव, दैट इज वेरी पावरफुल टूल फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। ओके ग्रेट। और एक बात और पूछना चाहूंगा सर, हम आपको एक वेब पेज भी दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से वेब पेज कितना इम्पोर्टेंट है? हम क्योंकि वेब पेज आपको बहुत लंबे समय तक के लिए दे रहे हैं और उसका हमने कोई भी चार्ज नहीं लिया, जो भी चार्ज है वो हमने इसमें एडिशनल कर लिया है। सो आपको क्या लगता है ये वेब पेज आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाने में और आपके खुद के पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने में कितना हेल्प कर सकता है? देखिए अगर आप देखा जाए ये 2020 है, ये मतलब अभी का जो मोड है ये टोटली ऑनलाइन, अभी का जो जनरेशन है, आज आप एजुकेशन भी देखो तो एवरीबॉडी इज ऑनलाइन, लॉकडाउन पीरियड भी है और फिर तो ऑनलाइन का जो इंट्रोडक्शन हुआ है या जो भी हर एक के दिल में ईच एंड एवरीथिंग, पीपल आर सिटिंग एट होम एंड दे आर वर्किंग, सो हर चीज ऑनलाइन हो रही है। तो अगर ये ऑनलाइन का सही उपयोग किया जाए तो इट इज वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आप देखा जाए। तो अगर वेब पेज का भी आप ले जो तो वेब पेज डेफिनेटली इसमें एक मेरा ब्रांड, आई कैन क्रिएट माई ओन ब्रांड। देखो आज ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम मार्केट में अपना ब्रांड बना सकते हो, यू कैन क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन इन द ब्रांड इन द मार्केट, दैट विल डेफिनेटली एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड पीपल विल गिव यू वैल्यू। सो डेफिनेटली मैं अपना चाहता हूँ कि मैं आई वुड अप्रिशिएट माई सेल्फ ग्रो इन माई लाइफ, सो दिस वेब पेज विल बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फेबिना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आप हमारे ऑडियंस को और इस वीडियोस को देखने वाले सभी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप यदि टॉप 5 में आते हैं और आपको कैसे ये लोग सपोर्ट करें, हमारे ऑडियंस कैसे आपको सपोर्ट करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक व्यू शेयर्स मिले? क्योंकि हमारा पूरा जो प्रोग्राम है, पूरा जो कॉम्पिटिशन है, वो 100% डिपेंड करता है कि किसके वीडियोज को, किसके डिश को सबसे ज्यादा लोग पसंद करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? देखिए ऐसा होता है ना कि हम जब कॉन्टेस्ट देखते हैं कोई भी, हम जैसे कि हमने टीवी में देखा है अमेरिकन कुकिंग कॉन्टेस्ट होता है, तो यहाँ पर कैसा होता है कि सब लोग साथ में है, तो तुम्हारे जो गेस्ट है, तुम्हारे स्पेक्टेटर्स है, वो सब तुम्हें सपोर्ट करते हैं। बट ऑनलाइन है, इसका मतलब कैसे कि हर कोई अपने अपने घर में है, अपना अपना डिश बना रहा है। बट वन इम्पॉर्टेंट टूल है कि ये जो कॉन्टेस्ट है और ये जो कुकिंग कॉन्टेस्ट है, जब तुम अपलोड करोगे डेफिनेटली व्यूअर्स इसको देखेंगे, सो मैक्सिमम व्यूअर्स है जो इसको लाइक करने वाले हैं। तो यहाँ पर तुम अपने व्यूअर्स से कॉन्टेक्ट करके, मतलब अपना जो प्रोडक्ट है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, उसको बेस्ट बनाना है, ताकि ऐसा डिश बनाओ कि जो सबको पसंद आ जाए, सबका दिल छा जाए, बस आज कुछ तो नया डिश सीखा मैंने और मेरा एकदम दिल झूम उठा, हर कोई चाहे कि मैं ये डिश बनाऊं। आज कुछ तूफानी करते हैं तो मैं चाहूंगा हर कोई ट्राई करे, जो भी कोशिश कर रहा है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इट्स, मैं हर एक के लिए क्लैप करता हूँ, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे एंड गिव योर 100% सपोर्ट, 100% एफर्ट इन दिस एंड लेट सी आप भी इसमें फर्स्ट 5 में आ जाओगे एंड इसका सपोर्ट, इसका व्यूअर्स डेफिनेटली आप देखोगे कि आज लोग सभी लोग ऑनलाइन है, घर बैठे सब मोबाइल चेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके लाइक्स आपको मिलेंगे, जैसे लाइक्स मिलेंगे आपका उतना ही पावर बढ़ेगा और जितना पावर बढ़ेगा उतना आपका कविना कॉन्टेस्ट में आपका नाम भी ऊपर आएगा, यू विल बी द विनर।
पेबना के बारे में आप एक लाइन में क्या बोलना चाहेंगे इस कुकिंग कॉन्टेस्ट के बारे में? I would just say that Fabina is a wonderful opportunity and it is a gateway of cooking contest. थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास केवल 50 और सीट्स बाकी हैं इस कुकिंग कंपटीशन के लिए, जो हम 30 जून को इसको क्लोज कर देंगे। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप भी अपने आप को ऑफलाइन से ऑनलाइन लाना चाहते हैं, आप भी अपना वेब पेज बनवाना चाहते हैं, आप भी सोशल मीडिया के सेंसेशन बनना चाहते हैं, तो जैसे बोल्डनेस से, डेयरिंग से डिसीजन संदीप जी ने लिया और संदीप जी हमारे सेकेंड पार्टिसिपेट थे, तो थैंक यू वेरी मच संदीप जी। और आई होप आपको हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया भेजा है वो भी बहुत अच्छा लगा होगा आपको। आई होप आपने टेस्ट भी किया होगा अभी तक। यस यस, बहुत बेहतरीन है, वंडरफुल है। आप देखना चाहोगे यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है, आप देखिए बहुत बढ़िया है यहाँ पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए और आपने लोगों को मोटिवेट किया। इसमें डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए जिससे आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम सब मिलके संदीप जी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में हेल्प करेंगे। सो सारे व्यूवर्स का, संदीप जी के फ्रेंड्स का, वेबिना के फ्रेंड्स का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन एंड इंस्पायर मोर पीपल्स टू पार्टिसिपेट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।